हाय गाइस, आज हम लोग सुबह चंपा था तो रात भी हो गई, मामा आ गया। अब हमारे न्यू ब्लॉक पे दवा समाता, मम्मी पापा खेल रहे तो हम लोग अच्छे आ गए। मम्मा पापा लोहा घाट पे है और हम चंपावत आ गए जबरदस्ती बोल के। बाय गाइस, नानी मैं तुम्हारे चश्मा पत्थर से फोड़ दूंगा। नानी मैं तुम्हारे चश्मा पत्थर से फोड़ दूंगा। और फिर बच्चों की शैतानियाँ हो गई थी शाम को शुरू, जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि बच्चे यहीं रह गए थे और मम्मा पापा चले गए थे लोहाघाट। और देखिए तीन बच्चे, वो भी इतने शैतान, तो इन्होंने ऐसा हाल कर दिया था घर का कि पूछो ही मत। और बच्चे हैं तो शैतानियाँ तो करेंगे। और आज देवांश जा रहा है, देखो कितनी जल्दी हो रही है। ऐसे नहीं कि नानी से बोल के जाऊँ कि नानी मैं जा रहा हूँ। बच्ची रहना बाबा। हाँ कब आएगा? चश्मा तो पहन ले फिर। चश्मा, बाप रे, देखो तो हीरो बन गया, दिखा तो। यार दुकान चला रहा यहाँ वाले खरीद रहा तो है बाबू। हाँ ये कला भी ले जाओ। हाँ ले जा, और ले आएंगे। ठीक है, बाय। ओके ओके, बड़ा लेके आऊंगी। हाँ हाँ, जितना मेरा भाई की दुकान आते ना उतना ही। अच्छा उतना लेके आऊंगी, ठीक है। बाबा बाय बाय कर दे, बाय, जल्दी आना, बाय बेटा, बाय। चाय बगान में देखिए तो सुबह ही इतनी भीड़ हो गई है और कूड़े की गाड़ी भी आने लग गई है। सबसे अच्छी बात यह है तो कृपया चाय बगान को गंदा ना करें। और फिर हम लोग निकल गए थे लॉन्ग ड्राइव पे, जो कि बारिश के मौसम में बहुत अच्छा लगता है सभी बच्चों को लेके। खुशी खुशी वो खा रहे हैं यहाँ पे को मोमो खा रहे हो। अच्छा मेरे पास छोटी चटनी भी है। अच्छा ज्यादा मिर्ची वाली मत खाना, ठीक है। और ये है पहाड़ की जो बसें होती है ना, इनको देख के कुछ याद आता है। पहले इन्हीं बसों में जाया करते थे। और जय हो महाराज की। और ये मिला हमें मंदिर। और पता है एक गाड़ी में मिला हमें इतनी अच्छी शायरी लिखी हुई थी, आजकल तो गाड़ियों में ही मिलती है, नो गर्लफ्रेंड नो टेंशन। और बहुत बड़ी एक उसने शायरी लिखी हुई थी। और उसके बाद जब शाम का वक्त होता है ना तो ये इतनी सारी चिड़ियाएँ चहचहा के, ये देखिए मार्केट में ना तारों के ऊपर बैठी हुई थी, यहीं से सबको देखती हैं। और दिन भर में पता नहीं रहता है, पता नहीं कहाँ चले जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे ये लोग इन तारों पे आके बैठती हैं। बहुत खूबसूरत सा नज़ारा। उसके बाद शाम के वक्त हमने बना ली थी एक प्रॉपर सी पहाड़ी थाली बोलें या कि पहाड़ी खाना बोलें, और थोड़ा सा बनाने की कोशिश की थी। मड़वे की रोटी थी और था ककड़ी का बिल्कुल झांस वाला रायता, और थी भिंडी की सब्ज़ी। और मड़वे की रोटी हो और उसके साथ घी ना खाया जाए तो मज़ा ही नहीं आता है, है ना। और उसके साथ था एक डली गुड़ की। वैसे तो घी, मड़वे की रोटी और गुड़ ही काफ़ी होता है, लेकिन थोड़ी सी सब्जी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बनाइएगा कभी इस तरह से और खाइएगा तो आप लोगों को भी गांव की याद आ जाएगी। तो आ गई हूँ वीडियो की एंडिंग में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना कीमती समय निकाल के मुझसे मिलने के लिए। जल्दी मिलने आऊँगी, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का।